नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में एक एकड़ गिलकी की खेती का पूर्ण विश्लेषण इन पांच पॉइंट लागत, उत्पादन, समय, आमदनी, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा, इन पर करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने गिलकी की खेती में लगने वाली लागत को गिलकी से उत्पादन लिए बिना ही निकाल लिया। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना अधिक समय नष्ट किए एक एकड़ गिलकी की खेती का पूर्ण विश्लेषण शुरू करते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। एक एकड़ गिलकी की खेती में कितनी लागत आती है? एक एकड़ गिलकी की खेती में बीज की मात्रा लगती है 600 से 800 ग्राम और VNR F1 हाइब्रिड बीज के 50 ग्राम के पैकेट की कीमत 180 रुपये। इस तरह हमारा एक एकड़ गिलकी की खेती में बीज का खर्चा आएगा 2,880 रुपये, खेत की तैयारी का खर्चा आएगा 2,500 रुपये, जैविक प्लस रासायनिक खाद का खर्चा आएगा 7,500 रुपये, निंदाई गुड़ाई का खर्च आएगा 2,500 रुपये, कीटनाशक स्प्रे का खर्च आएगा 3,500 रुपये, खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 5,000 रुपये। इन सब खर्च को जोड़कर एक एकड़ गिलकी की खेती की कुल लागत आएगी 22,000 रुपये। अब अगर आपके खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी है तो आपका जैविक व रासायनिक खाद का खर्च बचेगा। अगर हम कीटनाशक स्प्रे की जगह इसके जैविक विकल्प जैसे कि नीम की खली, नीम का तेल व जैविक पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो हमारा कीटनाशक स्प्रे का खर्च में भी कमी आएगी। यह पूरा खर्च बिना मंडप के सेटअप के गिलकी का है। अगर हम सेटअप लगाकर बांस के ऊपर गिलकी की बेलें बिछाते हैं तो उसका खर्च हमारा 25,000 रुपये से बढ़ जाएगा, लेकिन यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा क्योंकि हमें बार बार तार नहीं लाने पड़ेंगे, बांस नहीं लाने पड़ेंगे, धागे और प्लास्टिक की रस्सियाँ। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन। एक एकड़ गिलकी की खेती में कितना उत्पादन होता है? गिलकी की फसल की तुड़ाई 2 महीने तक चलती है व हमारी फसल रोग मुक्त है और हमने हाइब्रिड बीजों का चुनाव किया है तो हमारा उत्पादन मिनिमम 60 कुंटल से मैक्सिमम 80 कुंटल तक जाता है। हम मिनिमम 60 कुंटल उत्पादन लेते हैं, यानी एक एकड़ गिलकी की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 60 कुंटल। लागत उत्पादन के बाद आते हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। एक एकड़ गिलकी की खेती की समय साइकिल कितनी? गिलकी की फसल में गर्मी के मौसम में उत्पादन लेने के लिए बुआई का उचित समय है 15 जनवरी से फरवरी के बीच व बरसात में उत्पादन लेने के लिए बुआई का उचित समय है जून से जुलाई के बीच। गिलकी के बीज की बुआई के 60 से 70 दिन के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है जो कि मिनिमम 2 महीने तक चलती है, यानी एक एकड़ गिलकी की खेती की समय साइकिल 4 से 4.5 मंथ की है। लागत उत्पादन समय के बाद आते हमारे चौथे पॉइंट आमदनी। एक एकड़ गिलकी की खेती में कितनी आमदनी होती है? अभी हमें गिलकी का मंडी भाव 17 रुपये से 22 रुपये पर केजी मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन हर समय इतना मंडी भाव मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम गिलकी का मंडी भाव मिनिमम 10 रुपये पर केजी लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 60 कुंटल और 1 कुंटल में 100 केजी होता है और 1 केजी गिलकी का मंडी भाव 10 रुपये है तो हमारी आमदनी हुई 60,000, यानी एक एकड़ गिलकी की खेती से आमदनी हुई 60,000 रुपये। भारत इतना विशाल है कि एरिया वाइज मंडी भाव चेंज होते रहते हैं, इसलिए एग्जैक्ट मंडी भाव लेना पॉसिबल नहीं है। लागत उत्पादन समय आमदनी के बाद आते हैं हमारे पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो हमें आंकड़ा मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट है। हमारी आमदनी हुई 60,000 और लागत आई 22,000 तो हमारा प्रॉफिट हुआ 38,000 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 172%, जो कि काफ़ी अच्छा है। हम हमारा प्रॉफिट और आमदनी को 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि गिलकी की खेती में लगने वाली लागत को हम गिलकी की फसल से उत्पादन लिए बिना ले सकते हैं। इसके लिए हम मिक्स्ड फार्मिंग का उपयोग करेंगे।
हम गिलकी की फसल के साथ में मेथी की फसल लेंगे। गिलकी की फसल के साथ मेथी की फसल बोने की दो विधि। पहली, हम खेत की तैयारी कुछ इस तरह से करेंगे कि एक बड़ी क्यारी जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है वह छोटी क्यारी जिसकी चौड़ाई 0.5 मीटर है। बड़ी क्यारी में हम मेथी की फसल की बुआई करेंगे वह छोटी क्यारी में गिलकी के बीज का रोपण करेंगे। इस विधि में हम दोनों फसलों का रोपण एक साथ कर सकते हैं। हमारी मेथी की फसल 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके बाद इन क्यारियों में गिलकी की बेल फैल जाएगी। इस तरह मेथी की फसल से हम मिनिमम 25,000 रुपये की आमदनी होगी और साथ ही साथ हमारा 1 महीना बचेगा वह दोनों फसलें एक साथ बोएंगे। विधि नंबर 2, हम अलग अलग क्यारियों में दोनों फसलें ना लेकर एक साथ बोना चाहते हैं तो पहले हमें मेथी की फसल का रोपण करना होगा। वह जब हमारी मेथी की फसल 10 से 15 दिन की हो जाएगी इसके बाद हम गिलकी के बीज का रोपण करेंगे। हमने इन दोनों विधियों से गिलकी व मेथी की फसल की मिक्स्ड फार्मिंग की थी। अभी आप जो गिलकी का खेत देख रहे हैं यहीं पर 1 मार्च को हमने मेथी की फसल का वीडियो शूट किया था जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेथी की फसल की कटाई के बाद में गिलकी की फसल बड़ी हो गई और 2 महीने से हम गिलकी की फसल से उत्पादन ले रहे। हमने भी मेथी और गिलकी की फसल की मिक्स्ड फार्मिंग की थी जिसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। अगर हम दोनों फसलों को एक साथ बोते हैं तो हमारी मेथी व गिलकी की कुल लागत आएगी 25,000 रुपये। हमारा सिर्फ मेथी के बीज का खर्चा आएगा, खेत की तैयारी, खाद, इन सब का खर्चा नहीं आएगा और हमारी गिलकी व मेथी की फसल से आमदनी होगी 85,000 रुपये और इन दोनों फसलों को एक साथ बोने से प्रॉफिट होगा 60,000 रुपये। अब आप इन दोनों तरीकों से 1 एकड़ गिलकी की फसल का पूर्ण विश्लेषण व 1 एकड़ में गिलकी व मेथी की फसल का विश्लेषण, इन दोनों का कंपैरिजन चार्ट को देखिए और खुद ही तय करें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो इस तरह हमने गिलकी की फसल जो कि ज़्यादा मुनाफे वाली नहीं है उसे भी एक बहुत अच्छे मुनाफे की फसल में कन्वर्ट किया और यही एक क्रिएटिव किसान की पहचान, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना। इस वीडियो में हमने 1 एकड़ गिलकी की खेती का पूर्ण विश्लेषण किया। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।